कुछ लोग मेरे से पूछते हैं जी पैसा कहां से आ रहा है, आप पैसा सब कुछ फ्री करते जा रहे हो। अभी अभी थोड़े दिन पहले एक राज्य के मुख्यमंत्री ने 190 करोड़ का अपने लिए जहाज खरीदा है। मुख्यमंत्री ने अपने लिए जहाज खरीदा, अपने इस्तेमाल के लिए, व्यक्तिगत पर्सनल इस्तेमाल के लिए 190 करोड़ का जहाज खरीदा है। मैंने अपने लिए जहाज नहीं खरीदा, उस पैसे से, जितने पैसे से उन्होंने विपक्षी पार्टी के मुख्यमंत्री ने जहाज खरीदा, मैंने मेरी बहनों का यात्रा फ्री कर दी। दोस्तों, अगर मैं अपने लिए जहाज खरीद लेता तो इन विपक्षी पार्टी वालों को तकलीफ नहीं थी, तो नहीं कहते, कहते बड़ा अच्छा मुख्यमंत्री है। इनको तकलीफ इस बात की है कि जनता के लिए क्यों काम कर रहा है ये। आज दिल्ली के अंदर महिलाओं की यात्रा फ्री हो गई तो दूसरे राज्यों में भी महिलाएं कह रही है भाई केजरीवाल कर सकता तो यहां भी करो, इसलिए उनको तकलीफ हो रही है। आज हमने दिल्ली में 200 यूनिट बिजली फ्री करी, किस किस की 200 यूनिट बिजली आ रही है फ्री, जरा हाथ खड़े कर। अरे बाप रे, सबकी बिजली फ्री हो रही है। जीरो बिल आ रहे हैं क्या सब लोगों के? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये जीरो बिल आने चाहिए नहीं आने चाहिए, जरा हाथ खड़े कर दो। ये कैमरे वाले जरा दिखा देना भाई, थोड़े पीछे करके कैमरे वाले दिखा दो, हाथ खड़े कर रखे हैं लोगों ने। ये सारे विपक्षी पार्टी वाले मेरा विरोध कर रहे हैं, कह रहे 200 यूनिट बिजली फ्री नहीं होनी चाहिए, 200 यूनिट बिजली फ्री नहीं होनी चाहिए। अभी जैसे सतेंद्र जैन जी ने बताया, ये जो जो नेता फ्री की बिजली का विरोध कर रहे हैं, ये जितने सांसद इनके विरोध कर रहे हैं, इनको 4000 यूनिट महीने बिजली फ्री मिलती है, लेकिन उनके ड्राइवर को 200 यूनिट बिजली फ्री मिल जाए तो इनके दिल में तकलीफ होती है। अपने लिए कभी आंदोलन नहीं करते भाई, हमको 4000 यूनिट मिलती है, नहीं मिलनी चाहिए। कभी सुना आपने कोई एमपी कहे कि जी हमको 4000 यूनिट बिजली फ्री मिलती है, हमको नहीं? अपने लिए तो कहेंगे जी 4000 कम पड़ती है, 5000 कर दो। जनता को नहीं मिलनी चाहिए 200 यूनिट बिजली फ्री, जनता से तकलीफ है इन लोगों को। मैं सबसे पहले आपको बधाई देना चाहता हूं, ये दिल्ली के अंदर आज डेंगू लगभग खत्म हो गया दोस्तों, ये आप लोगों की वजह से हुआ, आपकी ताकत की वजह से हुआ। 2015 में पहली बार जब हमारी सरकार बनी थी, पहला साल जब था हमारा, 15000 केस डेंगू के हुए थे, एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल, दूसरे से तीसरे अस्पताल। सतेंद्र जैन जी हेल्थ मिनिस्टर है, मैं और ये दोनों मिलके एक अस्पताल से दूसरे में जा रहे थे, दूसरे से तीसरे में जा रहे थे, बेड कम पड़ रहे थे, कई अस्पताल में फोल्डिंग बेड लगवाए हम लोगों ने। 60 मौत हुई थी 2015 में, 60 मौत। इस साल दिल्ली के अंदर पिछले हफ्ते तक केवल 1300 केस हुए हैं, एक भी मौत नहीं हुई है। तो दोस्तों, आप लोगों ने एक ईमानदार पार्टी को वोट दिया था, उसका आज नतीजा देख रहे हैं। 5 साल पहले भी मेरे पास चुनाव लड़ने को पैसे नहीं थे, आज 5 साल सरकार चलाने के बाद भी मेरे पास चुनाव लड़ने के पैसे नहीं है, मेरी ताकत केवल आप लोग हैं। मेरी ताकत आप लोग हैं, आप लोगों के। ये विपक्ष वाले जितना हमला करते हैं मेरे ऊपर, विपक्ष वाले जितनी गाली देते हैं मेरे को, जितना मेरा विरोध करते हैं, उसको मेरा उस मेरे ऊपर उसका कोई असर नहीं पड़ता। जब तक आप लोगों का प्यार और आप लोगों की मोहब्बत बरकरार है, जब तक आप लोगों का विश्वास मेरे ऊपर बरकरार है, मेरे को इस दुनिया की किसी ताकत का कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, आप लोगों का यही विश्वास बरकरार रहे, हम लोग इसी तरह से आगे दिल्ली के लिए काम करते रहे। मेरा सपना है कि मेरे जीते जी मैं दिल्ली को दुनिया का नंबर 1 शहर देखना चाहता हूं, दुनिया का नंबर 1 शहर। दोस्तों,